यान्तिमिदन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वकदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताः सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशधारिणे पञ्चजनपदरूपश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा। X39 ग्रीवायां जनलोकस्य तपलोकस्तनद्वयात् मूर्धादिभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ट्रांसलेशन फ्रॉम द फोर फ्रंट ऑफ द चेस्ट अप टू द नेक ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड आर सिचुएटेड द प्लैनेटरी सिस्टम्स नेम्ड जनलोक एंड तपलोक whereas Satyaloka, the topmost planetary system, is situated on the head of the form. The spiritual planets, however, are eternal. तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि वो बता रहे हैं कि पैर के नीचे के जो विराट रूप के पैर के नीचे के जो लोक हैं भूर लोक हैं और जो नाभि के स्तर पे है वो भुवर लोक है और छाती के स्तर पे स्वर लोक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ग्रीवायां जनलोकस्य सो फ्रॉम द फोर फ्रंट ऑफ द चेस्ट अप टू द नेक ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म तो छाती से गले तक विराट रूप के जनलोक और तपलोक हैं और जो सत्य लोक हैं विराट रूप का सर माना जाता है। तो हमने ये देखा कि ये विराट रूप एक काल्पनिक रूप है ब्रह्मांड का पर यहाँ पे वर्णन आता है ब्रह्मलोक सनातना। यहाँ पे ब्रह्मलोक का मतलब है स्पिरिचुअल प्लैनेट तो आध्यात्मिक जो जगत है ये विराट रूप में फिट नहीं होता विराट रूप के बाहर है क्योंकि शाश्वत है। परपोर्ट मेनी टाइम्स इन दी स्पीचेस वी हैव डिस्कस्ड द स्पिरिचुअल प्लैनेट सिचुएटेड बियॉन्ड मटेरियल स्काई and the description is corroborated in this verse. तो बहुत बार गीता में भागवतम में वर्णन आता है कि कैसे आध्यात्मिक जो जगत है ये भौतिक आकाश से परे है और उसका जो वर्णन ये श्लोक में भी आ रहा है। This very idea of eternity is expressed in Bhagavad Gita 8.20 where it is said that beyond the material creation is the spiritual sky where everything is eternal. तो गीता में भी भगवान वर्णन करते हैं न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम कि ये भौतिक दुनिया के परे ये भौतिक आकाश के परे आध्यात्मिक आकाश है। समटाइम सत्यलोक द प्लैनेट इन विच ब्रह्मा रिजाइड्स इज आल्सो कॉल्ड ब्रह्मलोक तो सत्यलोक को कभी कभी ब्रह्मलोक भी बोला जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी निवास करते हैं बट द ब्रह्मलोक मेंशनड हियर इज नॉट द सेम एज द सत्यलोक प्लैनेटरी सिस्टम पर यहाँ पे है जो ब्रह्मलोक है तो यहाँ पे वर्णन है मूर्धादिभिः सत्यलोकस्तु मूर्धादिभिः का मतलब है जो सर है विराट रूप का वो सत्यलोक है
ब्रह्मलोक सनातन। तो यहाँ पे जो ब्रह्मलोक है सत्यलोक नहीं है, पर ये आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल स्काई है। बट द ब्रह्मलोक मेंशन्ड हियर इज नॉट द सेम एज द सत्यलोक प्लांटर सिस्टम। दिस ब्रह्मलोक इज इटर्नल, वेर एज द सत्यलोक प्लांटर सिस्टम इज नॉट इटर्नल। तो ब्रह्मलोक यहाँ पे जो वर्णन है वो आध्यात्मिक जगत है, वो शाश्वत है, पर जो सत्यलोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं वो शाश्वत नहीं है। अकॉर्डिंग टू शिला जीव गोस्वामी, दिस ब्रह्मलोक इज द लोक और द अबोर्ड ऑफ ब्रह्मन और द सुप्रीम लॉर्ड। तो जीव गोस्वामी बताते हैं यहाँ पे ब्रह्मलोक का मतलब है ब्रह्मा जी का लोक नहीं, ब्रह्मन जहाँ पे भगवान निवास करते हैं। इन द स्पिरिचुअल स्काई ऑल द प्लैनेट्स आर एज गुड एज द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो आध्यात्मिक जगत में जितने भी लोक हैं आध्यात्मिक वैकुंठ लोक में वो सब भगवान से अभिन्न है। तो जैसे हम बहुत बार सुनते हैं नाम नामिनो अभिन्नत्वम, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, वैसे भगवान का जो दाम है वो भी भगवान से अभिन्न है। द लॉर्ड इज ऑल स्पिरिट एंड हिज नेम फेम ग्लोरीज क्वालिटीज पास्ट टाइम्स एक्सेट्रा आर ऑल नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट। तो क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, इसलिए भगवान का जो नाम रूप गुण लीला दाम इत्यादि वो सब भी दिव्य है, आध्यात्मिक है। एज सच द प्लैनेट्स इन द किंगडम ऑफ गॉड आर ऑल्सो नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम, इसलिए भगवान के जो दाम है वैकुंठ लोक है वो भी भगवान से अभिन्न है। इन दोज प्लैनेट्स देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सोल, नॉर इज देर एनी इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम एज वी एक्सपीरियंस इट इन द मटीरियल वर्ल्ड। तो वो आध्यात्मिक लोक में शरीर और आत्मा में फर्क नहीं है, वहाँ सबके पास आध्यात्मिक ही शरीर होता है। तो ये भौतिक दुनिया में शरीर और आत्मा में फर्क है, तो वहाँ पे फर्क नहीं है। और क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे है, वहाँ पे समय भी नहीं है, नो टाइम, भूतकाल भी नहीं, भविष्य काल भी नहीं, वर्तमान काल भी नहीं, देयर इज ओनली प्रेजेंट टेंस। समय का समय वहाँ पे उपस्थित है ही नहीं। In addition to there being no influence of time, the planets in Brahmaloka, due to being spiritual, are never annihilated. तो वो आध्यात्मिक जगत में समय भी नहीं है और वो लोक का कभी नाश भी नहीं होता। भौतिक सृष्टि बनता है, संहार होता है, नाश होता है, पर आध्यात्मिक जो जगत है परमानेंटली रहता है। All variegatedness in the spiritual planets is also one with the Lord, and therefore the Vedic aphorism एकम एवा द्वितीयम इज फुल्ली रियलाइज इन दैट सनातन एटमोस्फियर ऑफ स्पिरिचुअल वेरिकेटेडनेस। तो वर्णन आता है एकम एवा द्वितीयम, वही एक भगवान अलग अलग रूप में आध्यात्मिक रूप में व्याप्त होते हैं। सो वेराइटी, सो ऑल्सो ऑल वेरिकेटेडनेस इन द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स इज ऑल्सो वन विद द लॉर्ड। तो वहां पे वेराइटी है फिर भी भगवान से अभिन्न है। दिस मटीरियल वर्ल्ड इज ओनली अ शैडो फैंटोस्मगोरिया ऑफ द स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ द लॉर्ड, एंड बिकॉज इट इज अ शैडो इट इज नेवर इटर्नल। द वेरिएटेडनेस इन द मटीरियल वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी स्पिरिट एंड मैटर कैनॉट बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये जो आध्यात्मिक भौतिक जगत है वो सिर्फ एक छाया है, प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। तो इसलिए यहाँ पे भी वैरायटी है, अलग अलग योनी है, अलग अलग पेड़ वृक्ष है, वो सब आध्यात्मिक जगत में भी है, पर यहाँ का वैरायटी में द्वंद्व है, भौतिक भी है आध्यात्मिक है, दोनों का मिश्रण है। पर आध्यात्मिक जगत में सब वैरायटी है, पर एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। सो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बिकॉज ऑफ पुअर फंड ऑफ नॉलेज लेस इंटेलिजेंट पर्सन समटाइम्स मिस्टेक the conditions of the shadow world to be equivalent to that of the spiritual world, and thus they make the mistake of the Lord and his pastimes in the material world to be one with the conditioned souls and their activities. इसलिए जिन लोगों के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनको लगता है कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत एक ही है, प्रतिबिंब है, उनको समझ में नहीं आता, और इसलिए भगवान के लीलाओं को भी वो भौतिक समझ कर रखते हैं। क्योंकि जब भी भगवान भी आते हैं वृंदावन में लीला करते हैं ऐसा लगता है कि भौतिक लीला ही चल रहा है, उनके भी माता पिता हैं, उनके भी दोस्त हैं, उनके भी माधुर्य रस में आदान प्रदान होता है गोपियों के साथ,
उनको लगता है, और वृंदावन में भी पेड़ है, वृक्ष है, सब कुछ है, नदियां हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे भगवान का लीला भी भौतिकी है। ये समझ नहीं पाते हैं कि दैट इज रियल, वो सत्य है, और जो भौतिक दुनिया में दिख रहा है दैट इज अ फॉल्स रिफ्लेक्शन है। द लॉर्ड कंडेम सच लेस इंटेलिजेंट पर्सन इन भगवद्गीता 9.11 अवजानन्ति मामूढा मानुषं तन्मामाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं अवजानन्ति मामूढा मानुषं तन्मामाश्रितं, भगवान बोलते हैं कि जब मैं मानुषं तन्मामाश्रितं मनुष्य के रूप में आता हूँ, पर क्या होता है जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अवजानन्ति मेरा निंदा करते हैं, मुझ में विश्वास नहीं रखते। Whenever the Lord incarnates, he does so in his full internal potency, Atma Maya, and less intelligent persons mistake him to be one of the material creations. तो जब भगवान अवतार लेते हैं, आत्मा माया का मतलब है स्वयं की माया से आते हैं, क्योंकि माया शक्ति उनकी ही है, पर हम सब हमारे माया से नहीं आते, माया देवी हमको कंट्रोल करके, हमारे पास चॉइस नहीं होता, पर भगवान स्वयं की इच्छा से आते हैं, इसलिए अवतार स्वयं की इच्छा से अवतार लेते हैं। शिला श्रीधर स्वामी therefore rightly commenting on this words says that ब्रह्मलोक mentioned here is Vaikuntha, the kingdom of God, which is सनातन और eternal, and is therefore not exactly like the material creations described above. तो श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी दोनों बताते हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्मलोक का वर्णन है वो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक है, बाकी लोकों से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ। द विराट यूनिवर्सल फॉर्म इज एन इमेजिनेशन फॉर द मटेरियल वर्ल्ड, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद फिर से बता रहे हैं ये जो विराट रूप है वो एक काल्पनिक रूप है, पर भगवान का आध्यात्मिक जगत काल्पनिक नहीं है, दैट इज द रियल ट्रूथ, वो जो सही दाम है और सत्य है। टेक्स्ट 40-41 तत्कत्यां चातलं क्लुप्तं तत्कत्यां चातकं कल्पतं उरुभ्यां वितलं विभो उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलं जंगाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्पाभ्यां महातलं तु गुल्पाभ्यां त्रिपद्धाभ्यां रसातलं पातालं पादतलतः इति लोकमय पुमान इति लोकमय पुमान। ट्रांसलेशन, माय डियर सन नारद, नो फ्रॉम मी दैट देयर आर 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स आउट ऑफ द 14। द फर्स्ट प्लैनेटरी सिस्टम नोन एज अतल इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट, द सेकंड वितल इज सिचुएटेड ऑन द थाइस, द थर्ड सुतल ऑन द नीज, द फोर्थ Talatala on the shanks, the fifth Mahatala on the ankles, the sixth Rasatala on the upper portion of the feet, and the seventh Patala on the soles of the feet. Thus the Virat form of the Lord is full of all planetary systems. तो यहाँ पे नीचे के लोकों का वर्णन कर रहे हैं, तो बता रहे हैं हे नारद मुनि उनसे जान लो कि जो सात lower planetary systems नीचे के जो लोक हैं 14 लोकों में से, वो विराट रूप के कमर के नीचे के भाग हैं। तो द फर्स्ट प्लैनेटरी सिस्टम जो नीचे का लोक, पहला जो लोक है उसको अतल बोलते हैं, जो विराट रूप के कमर के स्तर पे है। द सेकंड इज वितल, द नेक्स्ट लोअर अतल वितल, वितल थाइज जांघा के ऊपर स्थित है, ये सब काल्पनिक रूप है विराट रूप का। द थर्ड तीसरा है सुतल जो घुटने हैं नीज के स्तर पे है। द फोर्थ इज तलातल घुटनों के नीचे का जो हिस्सा है तलातल शैंक्स बोलते हैं उसको। महातल ऑन द एंकल्स जो हमारे पैर के ऊपर का हिस्सा एंकल वो महातल। रसातल ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द फीट जो पैर का जो ऊपर का भाग है वो रसातल है। एंड लोअर जो सोल्स हैं पैर के नीचे का विराट रूप का उसको पातल बोलते हैं। Thus the विराट रूप इज फुल ऑफ दी planetary systems। तो ये विराट रूप का कल्पना है, ऊपर के लोग भगवान के कमर के ऊपर गए विराट रूप के और बाकी नीचे के। परपोर्ट,
modern enterprises, the astronauts who travel in space, may take information from the Srimad Bhagavatam that in space there are 14 divisions of planetary systems. तो प्रभुपाद बता रहे हैं जिनको बहुत इच्छा है आकाश में भ्रमण करने का, जो एस्ट्रोनॉट्स है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि 14 स्तर हैं लोगों के, 14 divisions of planetary systems. The situation is calculated from the earthly planetary system, which is called भूलोक. तो जो धरती है वो भूलोक मध्य में आता है, in between. Above भूलोक is भूवनलोक and the topmost planetary system is called सत्यलोक. तो हमने देखा भूलोक के ऊपर भूवनलोक है, स्वर्गलोक, महालोक, जन्मलोक, तपलोक and finally सत्यलोक. These are the upper seven lokas of the planetary systems. तो धरती से भूलोक से ऊपर सात है and similarly there are seven lower planetary systems. तो वैसे ही सात नीचे के लोक हैं, known as अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल and पाताल लोक. तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, seven. All these planetary systems are scattered over the complete universe, which occupies an area of 2 billion times 2 billion square miles. तो भागवतम में वर्णन भी आता है, ये जो 14 लोक हैं, पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लेता है. और कितना एरिया है, स्क्वायर माइल होता है ना, लैंड को मेजर करते हैं, 2 billion into 2 billion times square miles. ये पूरे ब्रह्मांड का मेजरमेंट है, लोकों का मेजरमेंट. The modern astronauts can travel only a few thousand miles from the earth and therefore their attempt to travel in sky is something like a child's play on the shore of an expansive ocean. तो जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं जो स्पेसक्राफ्ट से मैक्सिमम few thousand miles, थोड़े हजार मील जा सकते हैं आकाश में, बस उतना ही. यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड का मेजरमेंट क्या है, 2 billion times 2 billion miles. स्क्वायर माइल्स. तो प्रॉपर लिख रहे हैं जैसा छोटा बच्चा होता है, अरे समुद्र पे खेलेगा तो कितना खेलेगा, पानी के अंदर थोड़ा ही जाएगा, पूरा अंदर नहीं जा सकता बच्चा. तो वैसे ही जो पूरा ब्रह्मांड है समुद्र की तरह है और वैज्ञानिक का जो ज्ञान है वो थोड़ा ही है, वेरी लेस. द मून सिचुएटेड इन द थर्ड स्टेटस ऑफ द अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स एंड इन द फिफ्थ कैंटो श्रीमद् भागवतम वी शैल बी एबल टू नो the distant situation of the various planets scattered over the vast material sky. तो वर्णन आता है कि जो चंद्र है, प्रभुपाद बोल रहे हैं third status of the upper planetary system, तो स्वर्ग लोक के स्तर पे आता है. और भागवतम के पांचवें स्कंद में ये सब लोगों का डिटेल में वर्णन आता है और मेजरमेंट्स भी आता है, हर एक लोक का कितना डिस्टेंस है, एवरीथिंग कम्स इन डिटेल. There are innumerable universes beyond the one in which we are put. And all these material universes cover only an insignificant portion of the spiritual sky, which is described above as the Sanatan Brahma Loka. तो ये सब, ये जो ब्रह्मांड है 2 billion into 2 billion, एक ही ब्रह्मांड है, उसका मेजरमेंट है. ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है और ये सब अनगिनत ब्रह्मांड पूरे आध्यात्मिक जगत का एक कोना बनता है. इमेजिन करो आध्यात्मिक जगत कितना विस्तार रहेगा. सो दैट ब्रह्म लोक का सनातन, वो जो सनातन धाम है उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. द सुप्रीम लॉर्ड वेरी काइंडली इनवाइट्स द इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स टू रिटर्न होम बैक टू गॉड इन द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द भगवद गीता 88.16. इसलिए भगवान बुद्धिमान जीवों को बोलते हैं, अरे ये दुनिया से उठ के आध्यात्मिक जगत में आ जाओ. भगवान इन्वाइट कर रहे हैं, भगवान अवतार लेते हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि कम बैक, जाओ देवा जगावा, चलो वापस घर चलो. तो प्रभुपाद गीता का श्लोक कोट कर रहे हैं, आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्यत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. तो भगवान बोल रहे हैं आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, अब कहीं पे भी जाओ, ब्रह्मलोक तक भी जाओ, सत्यलोक तक वापस आना पड़ेगा. इसलिए माम उपेत्यत्य कौन्तेय, इसलिए मेरा भक्ति करो, पुनर्जन्म न विद्यते, ये करने से आप मेरे धाम आओगे और फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है. बिगिनिंग फ्रॉम सत्यलोक द टॉप मोस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स सिचुएटेड बिलो द इटर्नल ब्रह्मलोक एज डिस्क्राइब्ड अबव ऑल प्लैनेट्स आर मटेरियल. तो नीचे के लोकों से
पाताल लोक से सत्य लोक तक सब लोग भौतिक ही है, पर हमको इससे आगे जाके आध्यात्मिक जगत में जाना है. एंड वन सिचुएशन इन एनी ऑफ द मटीरियल प्लैनेट्स इज स्टिल सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ मटीरियल क्रिएचर मटीरियल नेचर नेमली बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज. तो आप कहीं पे भी रहेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच नहीं सकते. जो पूंजे के लोग हैं उसमें भोग करने का फैसिलिटी ज्यादा है, फिर भी भौतिक ही है. बट वन कैन गेट कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम ऑल द अबव मेंशन मटीरियल पैंस when one enters into the eternal brahmalok sanatan atmosphere the kingdom of god. to isliye agar kisi ko mukti prapt karna hai ki bhautik duniya ke alag alag problems se mukt hona hai to sanatan dham bhagwan ke dham adhyatmik jagat mein jana hai. therefore liberation as contemplated by the speculative philosophers and the mystics is possible only when one becomes a devotee of the lord. isliye kisi ko mukti chahiye तो एक ही मार्ग है भगवान का भक्त बनना है, क्योंकि ज्ञान मार्ग से अष्टांग मार्ग से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी. एनीवन हु इज नॉट अ डिवोटी कैन नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड. ये बहुत महत्वपूर्ण है. अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं कर सकता. योगी है ज्ञानी है वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं कर सकता. वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है भगवान का भक्त. Only by attainment of a service attitude in the transcendental position can one enter into the kingdom of God. इसलिए जब ये दास का भाव आएगा, दासत्व कि मैं भगवान का दास हूँ, ऐसा ही व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है. Therefore, the speculative philosophers as well as the mystics must first of all be attracted to the devotional cult before they can factually attain liberation. इसलिए किसी को मुक्ति प्राप्त करना है, ज्ञानी ज्ञानी रहेगा योगी रहेगा, हर एक व्यक्ति को भक्ति का मार्ग स्वीकार करना है. माम उपेत्यते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. तो भगवान आठवें अध्याय में बोल रहे हैं गीता के कि उनका भक्त बनने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी. सो इज द फाइनल वर्ड्स और एक श्लोक है टेक्स्ट 42. भूलोक कल्पिता पद्भ्याम भूलोक कल्पिता पद्भ्याम भूवरलोक स्यनाभिता भूवरलोक स्यनाभिता स्वरलोक कल्पितो मूर्धना स्वरलोक कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना इति वा लोक कल्पना. सो इट्स ऑलमोस्ट अ सिमिलर वर्ड्स. दिस इज टेक्स्ट 38 भी ऑलमोस्ट सेम है. भूलोक कल्पिता पद्भ्याम भूवरलोक स्यनाभिता हृदा स्वरलोक उड़सा महरलोक महात्मना. ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स. तो यहाँ पे शुद्धे गोस्वामी बोल रहे हैं अदर्स में डिवाइड द होल प्लैनेटरी सिस्टम इनटू थ्री डिविजन्स नेमली द लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स ऑन द लेग्स अप टू द अर्थ द मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम ऑन द नेवल एंड द अपर प्लैनेटरी सिस्टम स्वरलोक फ्रॉम द चेस्ट टू द हेड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. सो जैसे उन्होंने बताया दिस इज लाइक द कंक्लूजन कि अदर्स में डिवाइड इति वा लोक कल्पना. सो अगेन कल्पना का शब्द आ रहा है बार बार, मतलब ये लोगों की कल्पना है विराट रूप कि जो नीचे के लोक हैं भगवान के पैर हैं धरती तक और जो बीच के लोक हैं भगवान का नाभि है और जो ऊपर के लोक हैं भगवान के छाती से सर तक. परपोर्ट द थ्री डिविजन ऑफ द कंप्लीट प्लैनेटरी सिस्टम्स आर हियर मेंशन्ड 14 आर इमेजिन बाय अदर्स एंड दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड. तो थोड़े लोग 14 लोगों का वर्णन करते हैं कैसे अलग अलग लोग विराट रूप के अलग अलग अंग हैं, या थोड़े लोग ये तीन लोगों का वर्णन करते हैं भूलोक भूवरलोक स्वरलोक कैसे विराट रूप के अंग प्रस्तुत हैं. पर कैसा भी रहेगा दोनों काल्पनिक ही है. तो इस तरह से ये पांचवा अध्याय द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस सब कारणों के कारण ये जो अध्याय है यहाँ पे समाप्त होता है. तो हम थोड़े दिनों बाद चैप्टर 6 छठा अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है पुरुष सुक्त कन्फर्म्ड. हरे कृष्ण.